तुर्की और सीरिया में 33,000 से ज्यादा मौतें, संख्या 50,000 से ऊपर जा सकती है। त्रासदी के बीच लूटपाट और अपराध बढ़े। मौलाना अशरत मदनी के बयान से भड़के धर्मगुरु, जमीयत के मंच से कहा ओम और अल्लाह एक, विरोध में संतों ने मंच छोड़ा। अब कनाडा में दिखा संदिग्ध फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, अमेरिकी F-22 फाइटर जेट ने मार गिराया। एक दिन पहले अलास्का में भी ऐसी ही कार्रवाई की गई। 13 राज्यों में गवर्नर बदले, 9 मई इस साल चुनाव। राम मंदिर फैसले में शामिल जस्टिस नजीर, आंध्र के गवर्नर, महाराष्ट्र में कोश्यारी की जगह बेस। तुर्कियों में भूकंप से आई दरारें, स्पेस से दिखी ये पूरे महाद्वीप की सबसे बड़ी फ्लाइट लाइन बनी, सैटेलाइट में कैद हुई तस्वीरें। दिल्ली मेयर चुनाव के लिए नई तारीख का ऐलान, 16 फरवरी से होगी बैठक, एलजी सक्सेना ने दी मंजूरी। यूके में प्रवासियों के खिलाफ प्रदर्शन, 15 लोग गिरफ्तार, 25 से छेड़खानी के बाद भड़के स्थानीय लोग, विरोध करने हथौड़े लेकर पहुंचे। दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती पर मोदी ने यज्ञ किया, पीएम बोले महिला सशक्तिकरण के लिए स्वामी जी ने आवाज उठाई, छुआछूत के खिलाफ लड़े। पीएम मोदी ने बोला कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस बॉर्डर पर सड़क बनाने से डरती थी, कांग्रेस को सैनिकों के पराक्रम पर शक था। सीएम स्टालिन की नितिन गडकरी को चिट्ठी, केंद्रीय मंत्री के जवाब में नाखुश थे, लिखा सड़क इतनी खराब है कि ट्रेन से जाना पड़ा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले कांग्रेस पर हमला, सैकड़ों कांग्रेसियों को कम्युनिस्टों ने मारा, आज उन्हीं के साथ कांग्रेस इलू इलू कर रही। भारत जोड़ो यात्रा छोड़ने वाले थे राहुल गांधी, कांग्रेस नेता ने किया खुलासा, घुटने में दर्द के कारण खुद को यात्रा से दूर रखना चाहते थे। यूक्रेन को हथियार बेच रहा पाकिस्तान, जर्मनी और पोलैंड के रास्ते से 10,000 रॉकेट पहुंचाए, रूस की नाराजगी पड़ सकती है भारी। बेंगलोर में अलकायदा का संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार, आईएसआईएस में शामिल होना चाहता था, अफगानिस्तान ईरान के रास्ते भागने के फिराक में था। जालौन में नशे में धुत कार सवार का आतंक, कई गाड़ियों में मारी चक्कर, पुलिसकर्मी ने साहस दिखाकर रोकी कार। लखनऊ में फॉर्च्यूनर सवार रईस जादू ने मचवाया उत्पात, भेपोतीखंड थाना पुलिस ने हिरासत में लिया, साइबर हाइट बिल्डिंग के बाहर मचवा रहे थे तांडव। लखनऊ में इन्वेस्टर समिट के लिए में पहुंचे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, आबकारी चीनी उद्योग में आवास विषय पर सत्र, यूपी के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल भी मौजूद। रोहित बोले इंडियन बॉलर्स को संभालना मुश्किल, कोई 250 तो कोई 450 विकेट के करीब, किसी को 5 विकेट चाहिए, कहते हैं मुझे बॉल दे यार। दिल्ली टेस्ट से बाहर हो सकते हैं वार्नर, पहले टेस्ट में स्पिनर्स के सामने हुए परेशान, 3 स्पिनरों के साथ उतर सकता है ऑस्ट्रेलिया। वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप में जीता इंग्लैंड, कप्तान नाइट और सिवन ने 67 रन की नाबाद पार्टनरशिप की, वेस्टइंडीज को 7 विकेट से हराया।